इस रेसलिंग टाइम में गाइस माय नेम इज पुन्नम सर एंड यो वाचिंग रेसल खबर। आज हम बात करने वाले हैं इस हफ्ते होने वाले रॉ के एपिसोड के बारे में, जहां पर WWE ने एक नॉन टाइटल मैच को अनाउंस कर दिया है। चलो वीडियो शुरू करते हैं। जैसा कि मैं पता है, इस हफ्ते रॉ के लिए WWE ने मिज टीवी के एक सेगमेंट को अनाउंस किया था। मिज टीवी के सेगमेंट में स्पेशल गेस्ट के रूप में वो चारों सुपरस्टार आने वाले थे, जो कि मनी इन द बैंक के लिए रॉ की तरफ से कंफर्म हो चुके हैं। इस सेगमेंट में रिडल ने लेडर पर चलकर अपनी बात रखी, लेकिन ओमस ने उसे लेडर से गिरा दिया और एजे स्टाइल ने उसके चोटिल पैर पर हमला किया। उसके बाद WWE ने एजे स्टाइल और मैट रिडल के मैच को कंफर्म कर दिया। इस मैच में मैट रिडल चोटिल पैर के साथ लड़ते हैं और कई बार पलटवार करने की कोशिश करते हैं, लेकिन एजे स्टाइल हर बार उनके चोटिल पैर पर मारते हैं। एक टाइम ऐसा था जब रेफरी ने ध्यान नहीं दिया और ओमस ने मौके का फायदा उठाकर मैट रिडल के पैर पर अटैक कर दिया। इस मैच के अंत में वाइकिंग रेडर्स आ जाते हैं, जिससे एजे स्टाइल और ओमस का ध्यान डिस्ट्रैक्ट हो जाता है और मौके का फायदा उठाकर मैट रिडल इस मैच को जीत जाते हैं। इसी के चलते WWE ने अगले हफ्ते रो के लिए एरिक और ओमस के मैच को ऑफिशियली कंफर्म कर दिया है। गाइज अपनी प्रेडिक्शन कमेंट में बताना ना भूले। आज का वीडियो बस इतना था। अगर वीडियो पसंद आती है लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करके बताएं आपको हमारी वीडियो कैसा लगा, और इसके साथ साथ चैनल को भी सब्सक्राइब कर ले ताकि आपको हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। मैं मिलता हूँ अपने नए वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।